हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्लांट डिसीज को, क्योंकि मंडे मॉर्निंग में हमको प्लांट पैथोलॉजी डिस्कस करना था। तो आपका सिलेबस का सेकंड लाइन आप देखिए, उसमें है आपका कि जो भी इंपॉर्टेंट प्लांट डिसीज हैं एंड जो सॉरी पेस्ट एंड डिसीज हैं, उनका क्लासिफिकेशन एंड उनका मैनेजमेंट। सो हमने नेक्स्ट मतलब एंटोमोलॉजी एंड पैथोलॉजी के अकॉर्डिंग प्लांट प्रोटेक्शन को डिवाइड किया, क्योंकि दोनों चीज़ें इसमें इंक्लूड फॉर्म में दे दी गई हैं आपको। तो हम थोड़ा सेपरेट बनाएंगे तो आपको क्लियर होंगी चीज़ें, कि पेस्ट वाली चीज़ें आप अलग नोट्स बनाएंगे और पैथोलॉजी वाले पोर्शन में आप अलग नोट्स बनाएंगे। तो हमने कल देखा था, जो प्रीवियस वीडियो आया है वो एंटोमोलॉजी पे था, तो आज हम प्लांट डिसीज को डिस्कस कर लेते हैं। सो प्लांट डिसीज क्या होता है, सो हम स्टार्ट करते हैं प्लांट डिसीज से। प्लांट डिसीज एक्चुअल में इन सिंपल वर्ड में ये होता है कि जो प्लांट का जो एक नॉर्मल स्टेट रहता है, उसमें किसी तरह का जब इंटरप्ट्स या फिर उसमें कोई मॉडिफाइज होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें मतलब जिससे कि क्या होगा, जब ऐसा कोई चेंजेस आएगा या इंटरप्शन आएगा उसके नॉर्मल स्टेट में, तो उसका जो भी फंक्शन है वाइटल फंक्शन, उसमें भी क्या होते हैं, चेंजेस होने लगते हैं। सो प्लांट डिसीज इज एन इम्पेयरमेंट ऑफ नॉर्मल स्टेट ऑफ अ प्लांट दैट इंटरप्ट और मॉडिफाई इट्स वाइटल फंक्शंस। सो अ प्लांट डिसीज कैन ऑल्सो भी डिफाइन एज एन ए प्रॉब्लम विद द प्लांट दैट लीड टू अ रिडक्शन इन यील्ड एंड अपीयरेंस। तो ऑब्वियसली बात है, जब उसके मेन नॉर्मल स्टेट में चेंजेस आएंगे तो उसका कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट दिखेगा, तो वो रिडक्शन इन यील्ड में दिखता है या उनके अपीयरेंस में दिखता है। सो मैनी प्लांट डिसीज आर कॉज्ड बाय द पैथोजन, डिसीज कॉजिंग एजेंट्स आर कॉल्ड पैथोजन। ऐसे जो भी एजेंट है जो उनको पैथोजन की कैटेगरी में रखा जाता है जो डिसीज को कॉज करते हैं। अ प्लांट मे बी सेट टू बी डिसीज्ड व्हेन देयर इज अ हार्मफुल डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। नाउ वी सी द क्लासिफिकेशन ऑफ पैथोजन। क्लासिफिकेशन पैथोजन जो होता है, एक तो होता है एनिमेट पैथोजन्स, अनदर वन इज द इनएनिमेट पैथोजन, नेक्स्ट वन इज द वायरल पैथोजन। क्लासिफिकेशन ऑफ पैथोजन देखा, नाउ वी सी द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिसीज बेस्ड ऑन द कॉजल एजेंट। कॉजल एजेंट के बेस पे प्लांट डिसीज होता है, एक तो जो होता है नॉन इन्फेक्टियस एंड अनदर वन इज द इन्फेक्टियस। नाउ नॉन इन्फेक्टियस प्लांट डिसीज जो है, दे आर नॉट एसोशिएट विद द एनी एनिमेट और वायरल पैथोजन, सो दे कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड प्लांट टू अ हेल्दी वन। सो ये क्या होते हैं, इन्फेक्शियस नहीं होते, मतलब इन्फेक्टियस इट मीन्स कि वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, जैसे होता है ना ह्यूमन्स में, वैसा ही एक प्लांट से, एक जो डिसीज प्लांट है वो किसी हेल्दी प्लांट को अफेक्ट नहीं करता है। सो दिस आर ड्यू टू द डिस्टर्बेंस इन द प्लांट बॉडी द कॉज्ड बाय लैक ऑफ सर्टेन इनहेरेंट qualities by improper environmental condition of soil and air and by the mechanical influence. So these are the, ये जो disturbance है plant body में वो होते हैं। कई बार क्या होता है, कुछ certain inheritance quality उसकी कमी हो जाती है, या जो आपका environmental condition है, soil का condition है, वो properly नहीं हो पाता according to plant need, and another one is the mechanical influence. So example is that low and high temperature, unfavorable oxygen level, unfavorable water level and hail, wind, air pollution, toxicity, etc. This is the symptom. High temperature में इस तरह के जो डिसीज है वो क्रिएट होते हैं, अनफेवरेबल ऑक्सीजन लेवल होता है, तो यू कैन सी इन पोटैटो। नाउ अनफेवरेबल वाटर लेवल एंड हेल इन अ स्वीट कॉर्न, ओके, लाइटनिंग इंजुरी कोकोनट में, सल्फर डाइऑक्साइड एंड ओजोन, एयर पॉल्यूशन, टॉक्सिसिटी एंड दिस इज द विंड डैमेज। एंड सेकेंड नेक्स्ट वन इज द इन्फेक्टियस प्लांट डिसीज। ये जो प्लांट डिसीज है अभी हमने जो देखा वो नॉन इन्फेक्टियस में ये था कि ये बेसिकली उनमें या तो कुछ हेरिटेबल कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ लैक हो रहा है, या तो इन्वायरमेंटल का अफेक्ट है, ओके। सो इस बेसिस पे वो जो हो रहा है वो एक ही प्लांट में हो रहा है, और वो जो डैमेज प्लांट है वो दूसरे प्लांट को अफेक्ट नहीं कर रहा है। बट यहाँ पर बिकॉज ये चीज़ें जो भी सिम्टम होंगे वो बिकॉज ऑफ द पैथोजन के कारण होंगे, क्योंकि मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म है वो क्रिएट करेंगे डिजीज, तो ये क्या रहेगा, वायरल रहेगा, बैक्टीरियल रहेगा, फंगल रहेगा, तो ये ट्रांसमिट होंगे बाय वन प्लांट टू द अनदर प्लांट, वन डैमेज प्लांट टू द अनदर हेल्दी प्लांट। सो दिस आर द डिजीज कॉज्ड बाय द पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म और द वायरसेस अंडर अ सेट ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन लाइक फंगी, बैक्टीरिया, वायरस, निमेटोड एंड इवन सम प्लांट कैन बी पैथोजेंस।
दे ऑब्टेन न्यूट्रिएंट वाटर एंड एवरीथिंग दे नीड टू रिप्रोड्यूस फ्रॉम देयर होस्ट, और वो होस्ट हमारा मेन क्रॉप रहेगा. सो द फंगल एंड वायरल पैथोजन कॉज मैनी प्लांट डिसीज, बैक्टीरियल नेमेटोड पैथोजन्स कॉज अ फेव. बेसिकली जो फंगल एंड वायरल है वो ज़्यादा डिसीज कॉज करता है प्लांट के केस में, बैक्टीरिया एंड नेमेटोड्स का एज कम्पेयर टू बोथ थोड़ा लेस रहता है या फ्यू रहता है. सम पैथोजन्स कैन इन्फेक्ट सेवरल काइंड ऑफ द प्लांट्स, अदर रिक्वायर अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ होस्ट. ओके, पैथोजन्स सच एज फंगी एंड बैक्टीरिया डिफर इन देयर एबिलिटी टू सर्वाइव, स्प्रेड एंड रिप्रोड्यूस. नाउ द कंडीशन नेसेसरी फॉर अ पैथोजन पैथोजेनिक डिसीज, कौन सा कंडीशन जो है वो मतलब उनको रिक्वायर होता है किसी पैथोजन के लिए. इन ऑर्डर फॉर अ पैथोजेनिक प्लांट डिसीज टू अकर, थ्री कंडीशंस मस्ट बी मेट. द फर्स्ट इज दैट द होस्ट प्लांट मस्ट बी ससकेप्टेबल, जो होस्ट प्लांट है उसमें वो बीमारी लगने के लिए वो ससकेप्टेबल रहे, ठीक है. सेकेंड थिंग इज दैट एन एक्टिव ए लिविंग पैथोजन मस्ट बी प्रेजेंट. द एनवायरमेंट मस्ट बी सुटेबल और फेवरेबल फॉर द डिसीज डेवलपमेंट, लाइक हाई ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, रेनी सीजन है बहुत ज़्यादा, ठीक. ये सारे ऐसे कुछ कंडीशंस हैं जो कि फेवरेबल होते हैं डिसीज डेवलपमेंट में. एंड अनदर वन इज द ऑल थ्री फैक्टर मस्ट अकर साइमल्टेनियसली, इफ वन फैक्टर इज एबसेंट और अनफेवरेबल डिसीज डज नॉट अकर. तो ये अगर होस्ट ससकेप्टेबल नहीं है, उसमें रेजिस्टेंट है, इसलिए हम रेजिस्टेंट वेराइटी डेवलप करते हैं. ऑब्वियस ही बात है, अगर रेजिस्टेंट है तो वो पैथोजन अटैक नहीं कर पाएगा. समटाइम पैथोजन अगर इतना एक्टिव नहीं है या लिविंग नहीं है तो वो नहीं कुछ डैमेज कर पाएगा. और ये दोनों चीज़ें हैं, बट इन्वायरमेंट अगर सुटेबल नहीं है, मतलब इन्वायरमेंट पैथोजन के लिए सुटेबल नहीं है, प्लांट के केस में टेबल है, तो भी डिसीज का जो भी डेवलपमेंट नहीं होता है. सो दिस इज द, यू कैन सी दिस इज अ रिजल्ट ऑफ साइमल्टेनियस इंटरेक्शन बिटवीन द एनवायरमेंट, होस्ट एंड पैथोजन. यू कैन सी एनवायरमेंट, पैथोजन एंड होस्ट, जब तीनों चीजें फेवरेबल है किसके पक्ष में, आपके पैथोजन के पक्ष में, तो फिर डिसीज वो पैथोजन क्रिएट कर पाएगा, अदरवाइज नहीं होगा. सो द मोर द सर्कल ओवरलैप द ओ मोर सर सॉरी सेवर विल बी द डिसीज. सो जितना ज़्यादा सर्कल आपस में ओवरलैप होएगा, तो उससे क्या होगा, जो सर्कल जब आपस में ओवरलैप होने लगेगा तो उतनी ही ज़्यादा आपके डिसीज होने की संभावना बढ़ेगी. वी सी द डिसीज साइकिल. डिसीज साइकिल में क्या है, जो भी सीक्वेंस है इवेंट्स का, फ्रॉम द पैथोजन सर्वाइवल टू द प्लांट डिसीज डेवलपमेंट एंड बैक टू पैथोजन साइकिल, इट इज कॉल्ड डिसीज साइकिल. कैसा मतलब यहाँ पर बोला जा रहा है कि पैथोजन आया, उसने कहाँ पर सर्वाइव किया, बहुत ज़्यादा केसेस में सॉइल में सर्वाइव करता है. फिर जब हमारा क्रॉप लगता है तो वो अपने होस्ट में जाकर अटैक करता है, उसके बाद वो रिप्रोड्यूस करता है, मतलब डैमेज क्रिएट करता है, एंड फिर पैथोजन की भी साइकिल चलती है. तो ये टोटल जो है, ये जो है पैथोजन का आना, मतलब वो पहले जहाँ सर्वाइव कर रहा है वो जो है उसका प्राइमरी जो भी साइकिल है, उसके बाद वो पैथोजन जो है होस्ट में आया, दैट इज़ द सेकेंडरी डिसीज साइकिल, और टोटल जो है वो आपका डिसीज साइकिल में आएगा. सो बाय द अंडरस्टैंडिंग द डिसीज साइकिल चेन ऑफ इवेंट दैट कंट्रीब्यूट टू अ डिसीज, वी कैन फाइंड द वीकेस्ट लिंक एंड टेक मेजर टू ब्रेक द साइकिल. सो ऑब्वियस बात है, जब हमको पूरा साइकिल समझ आ जाएगा तो हमको जो मेन ऐसा पॉइंट है जहाँ पर हम ब्रेक कर पाए, ऐसा वीक पॉइंट हमको चूज करके हम ब्रेक कर सकते हैं डिसीज साइकिल को, और जो भी हार्मफुल इफेक्ट है उसको हम कम कर सकते हैं. तो मोस्ट पैथोजन्स मस्ट सर्वाइव अ पीरियड ऑफ एडवर्स कंडीशन, यूजुअली विंटर, दे व्हेन दे डू नॉट एक्टिवली कॉज द डिसीज. द होस्ट प्लांट इज इन्फेक्टेड और कंटिन्यूअस टू बी इन्फेक्टेड बाय द पैथोजन्स ओवर विंटर डिसीज ट्रांसमिटिंग सब्सटेंट इनोकुलम इन द स्प्रिंग. नाउ द सिम्टम ऑफ द फंगल डिसीज, कुछ सिम्टम्स देख लेते हैं. सो फर्स्ट इज द सॉरी मिल्डवीज, लाइक द वाइट, ग्रे, ब्राउनिस और पर्पलिस पैचेस ऑफ द वेरिंग साइज ऑन अ लीव, हर्बेशियस स्टेम ऑफ फ्रूट. बेसिकली वाइन्स में ज़्यादा है एंड क्यूकुरबिटेसी में भी होता है. डाउनी मिल्डवे एंड पाउडरी मिल्डवे दो टाइप्स के हैं. पाउडरी वाले में पाउडर लाइक आपको चीज़ें स्ट्रक्चर दिखाई देगा, एंड डाउनी जो है ये आप देख सकते हैं, यू कैन सी इन अ डायग्राम, ठीक है, इस तरह से दिखाई दे रहा है. तो बेसिकली जो ग्रीन पार्ट रहता है ना, लाइक हर्बेशियस स्टेम ऑफ फ्रूट्स भी रहते हैं, जैसे ग्रेप्स में देख रहे हैं आप, हुआ है ठीक, पाउडरी मिल्वे,
तो ये जस्ट व्हाइट थोड़ा ग्रेइस कलर का, समटाइम ब्राउनिस पर्पलिस भी होता है, जो कि है आपका डाउनी मिल्डवे की केसेस में, ठीक है। और ये पैचेस डिफर करते हैं साइज, मतलब अकॉर्डिंग टू लीफ के कंडीशन पे। तो ये हो गया आपका मिल्डवे जो कि फंगल डिसीज होता है। नाउ द सेकेंड वन इज द रस्ट। रस्ट इज अ क्लियर, आप देख सकते हैं जंग जैसा कैसे लग जाता है किसी लोहे में, उसके जैसा ही दिखाई दे रहा है। और जब कुछ छुएंगे तो आपको स्पोर्स जो है वो जब टच करेंगे तो स्पोर्स नजर आएंगे आपके हाथों में भी। सो द रिलेटिवली स्मॉल पस्ट्यूल्स ऑफ द स्पोर्स, दिस इज द पस्ट्यूल, ओके, यू कैन सी इन अ डायग्राम, यूजली ब्रेकिंग थ्रू द होस्ट एपिडर्मिस। नाउ द स्मट, स्मट जो है इन द प्लांट, दिस इज नोन एज स्मट, द अफेक्टेड पार्ट ऑफ द प्लांट, सो अ पर्पल इज ब्लैक और ब्लैक डस्टी मास, यू कैन सी, ओके। नाउ इसके अलावा ये हो गया थर्ड स्मट, जो आप देख रहे हैं कॉर्न में, ठीक है। नाउ आप देखिए इस साइड जो है आपका, सॉरी ये आपका लेफ्ट साइड होगा आई थिंक, तो वाइट ब्लिस्टर्स जो हैं ये आप मस्टर्ड में देख रहे हैं। सो दिस इज़ द वाइट ब्लिस्टर लाइक पस, ये क्या है, ये भी एक पस्चूल्स हैं विच ब्रेक ओपन एंड एक्सपोज पाउडरी मास ऑफ द स्पोर। नाउ फिफ्थ इज द स्कैब, पोटैटो में होता है बेसिकली एंड एप्पल में भी होता है। सो स्कैब रिफर्स टू अ रफिंड और क्रेस्ट लाइक लेसन्स और टू अ फ्रेकल्ड अपीरियंस और ऑफ अ डिसीज्ड ऑर्गन। तो बेसिकली ये देख सकते हैं आप, एकदम रफ हो गया है सरफेस एंड लेसन्स, जो आपके एक लेसन्स लाइक स्ट्रक्चर भी हो गए हैं, एप्पल में है एंड पोटैटो के केस में है, इन दोनों का लीव भी यहाँ पर अपीयर है। नाउ द सिक्स इज द स्क्लेरोटिया, ठीक है। तो स्क्लेरोटियम इज अ कॉम्पैक्ट ऑफन हार्ड मास ऑफ द डॉर्मेंट फंगल माइसीलियम। तो ये क्या होता है, दिस इज अ कॉम्पैक्ट एंड जो माइसीलियम होता है, फंगल माइसीलियम, उसका क्या होता है, ये हार्ड मास होता है बेसिकली, जो ये माइसीलियम डॉर्मेंट होता है। सो दिस स्क्लेरोटिया आर मोस्ट ऑफन ब्लैक, बेसिकली तो ब्लैक है, यू कैन सी, दे मे बी समटाइम पफ और डार्क ब्राउन और पर्पलिश इन अ कलर, ठीक है। नाउ सेवेंथ इज द ब्लॉच। ब्लॉच जो है, इट इज अ सुपरफिशियल ग्रोथ गिविंग द फ्रूट अ ब्लॉच्ड अपीरियंस एज इन अ सूटी ब्लॉच एंड फ्लाई स्पेक डिसीज ऑफ एप्पल फ्रूट, ठीक है। एप्पल में है ये जो अपेयर आपको दिख रहा है लीफ में, ब्लॉच मतलब देखिए जगह जगह पे जला जला आपको दिख रहा है। नाउ सेकेंड इज़ द फ्रूटिंग बॉडीज, इस तरह के तो आपने जनरली देखे हैं लकड़ी में, जब भी बहुत ज़्यादा वाटरी कंडीशन रहता है यानी रेनी कंडीशन रहते हैं तो हो जाते हैं। तो दे आर लार्ज फ्लैसी और वुडी स्पोर्स बेरिंग द स्ट्रक्चर डेवलप्ड बाय द वुड रूटिंग फंगी। नाउ द नेक्स्ट इज द टार स्पॉट। टार स्पॉट जो है, दिस आर द समवॉट राइज्ड ब्लैक कोटेड फंगल बॉडीज विद द अपीरियंस ऑफ अ फ्लैटेंड ड्रॉप ऑफ टार ऑन द लीफ। दिस इज द टार स्पॉट इन अ लेडी फिंगर और ओकरा। सिम्टम ऑफ द बैक्टीरियल डिसीज, अभी तक हमने फंगल देखा था। बैक्टीरियल में क्या होते हैं, एस्यूडिएशंस इन सेवरल बैक्टीरियल डिसीज सच एज द बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ पैडी एंड फायर ब्लाइट ऑफ द पोम फ्रूट्स, मासेज ऑफ द बैक्टीरिया ओज आउट फ्रॉम द अफेक्टेड ऑर्गन एंड अपीयर ऑन द सर्फेस एट ड्रॉप ऑफ स्मीयर। यू कैन सी फायर ब्लाइट एप्पल में, आप देख सकते हैं किस तरह से जो एस्यूडेशन हुआ है, ये एस्यूडेशन एक्चुअली में क्या रहता है, दिस इज द बैक्टीरियल ओज रहते हैं, ठीक है, जो कि बाहर आते हैं अफेक्टेड प्लांट पार्ट से। ये देख सकते हैं किस तरह से लीफ में बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ ऑन वीट में, ठीक है। नोट द बैक्टीरियल ओज, पानी जैसे एक मतलब एक हनी लाइक भी बोल सकते हैं, एकदम दिख रहा है ना आपको किस तरह से एस्यूडेशन है। नाउ द सिम्टम ड्यू टू द सम इफेक्ट ऑन द होस्ट प्लांट, दिस इज कॉज मार्क चेंज इन द फॉर्म साइज कलर टेक्सचर एटीट्यूड और हैबिट ऑफ द प्लांट और सम ऑफ इट्स ऑर्गन। टू और मोर ऑफ दिस चेन में अकर इन द सेम होस्ट ऑर्गन एज इफेक्ट ऑफ द सेम डिसीज, दिस चेंज रिजल्ट फ्रॉम द प्रेजेंस एंड एक्टिविटी ऑफ द सम पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म एंड ऑल्सो द रिएक्शन ऑफ द होस्ट टिश्यू अगेंस्ट दैम। सो द पैथोजन मे बी फाउंड विद इन द अफेक्टेड टिश्यू और अपॉन द सर्फेस, कभी कभी वो टिश्यूज में पाए जाते हैं और सर्फेस एरिया में भी पाए जाते हैं।
नाउ हम देख लेते हैं कलर चेंजेस में क्या होता है। डिसकलरेशन होता है बिकॉज क्लोरोफिल को ही डिग्रेड कर देते हैं पूरे तरीके से, तो ये डिग्रेडेशन के कारण क्या होता है, कलर डिसकलरेशन हो जाता है। सो दिस डिसकलरेशन ऑफ द प्लांट और चेंज ऑफ द कलर फ्रॉम द नॉर्मल कलर लाइक क्लोरोसिस, ग्रीन से येलो हो जाना। इसके अलावा होता है एल्बिनिज्म, लाइक ग्रीन से पूरा कलरलेस हो जाना, एल्बिनिज्म मतलब कलरलेस, ठीक है। क्रोमोसिस इट मीन्स ग्रीन से रेड और पर्पल और ऑरेंज कलर का हो जाना। यू कैन सी कुकुरबिटेसी में क्लोरोसिस सिम्टम येलो कलर के हो गए। नाउ सेकेंड इज द ओवर ग्रोथ। समटाइम क्या होता है, एब नॉर्मल इंक्रीज होता है इन द साइज ऑफ वन और मोर ऑर्गन ऑफ द प्लांट और सर्टेन पोर्सन ऑफ इट। दिस इज यूजली द रिजल्ट ऑफ द स्टिमुलेशन ऑफ द होस्ट टिश्यू और फॉर एक्सेसिव ग्रोथ। इट मे बी ड्यू टू द हाइपर प्लेसिया और हाइपर ट्रॉफी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड हाइप, जब ओवर ग्रोथ होता है पर्टिकुलर किसी पोर्शन का या किसी ऑर्गन का, दिस इज कॉल्ड एज हाइपर प्लेसिया एंड हाइपर ट्रॉफी। नाउ हाइपर प्लेसिया क्या होता है, एबनॉर्मल इंक्रीज इन द साइज ऑफ अ प्लांट ऑर्गन ड्यू टू द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स। जब नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं, ठीक है, सेल का साइज नहीं बढ़ रहा है, यहाँ पर सेल बहुत ज़्यादा नंबर बढ़ा रहे हैं अपने, मतलब सेल का बहुत ज़्यादा मल्टीप्लीकेशन हो रहा है बट वो सेल के साइज नहीं बढ़ रहे हैं, ये चीज़ क्लियर रखना। जब सेल का नंबर बढ़ेगा तो जो एबनॉर्मल ग्रोथ होगा दैट इज द हाइपर प्लेसिया। ट्रॉफी मतलब जानते हैं ट्रॉफी कितनी बड़ी होती, तो जब साइज बढ़ेगा सेल का विच इज नोन एज द हाइपर ट्रॉफी। नाउ सेकेंड थर्ड इज द एट्रॉफी या फिर हाइपोप्लेसिया। हियर इनिबिशन ऑफ द ग्रोथ अकर रिजल्टिंग इन द स्टनिंग और डॉर्फिंग, यहाँ पर डॉर्फिंग केस आएगा। सो डॉर्फिंग रिजल्ट फ्रॉम द एट्रॉफी और हाइपोप्लेसिया। एट्रॉफी इज डिजेनरेशन ऑफ सेल्स एंड ऑर्गन वेयर एज अ हाइपोप्लेसिया इज द एबनॉर्मल डिक्रीज इन द साइज ऑफ सेल एंड ऑर्गन। दिस इज द स्टनिंग इन द स्वीट कॉर्न, स्टनिंग इन द पीस। नाउ फोर्थ इज द नेक्रोसिस। इट इज द डेथ ऑफ द टिश्यू एंड ऑर्गन ड्यू टू द पैरासिटिक एक्टिविटी। बेसिकली पूरा डेथ हो जाता है नेक्रोटिक पार्ट जो रहता है। नेक्रोटिक सिम्टम आर हाईली वेरिएबल, ठीक, यू कैन सी टमेटो में। विल्ट में क्या होता है, द इंटायर जो प्लांट रहता है वो डेड हो जाता है। सो दिस इज द ड्राइंग और विल्टिंग ऑफ द इंटायर प्लांट। द लीव्स एंड अदर जो भी ग्रीन एंड सक्यूलेंट पार्ट है दे लूज देयर टर्जिडिटी, बिकम फ्लैसिड एंड ड्रॉप। दिस इफेक्ट इज यूजुअली सीन इन फर्स्ट सम ऑफ द लीव्स, ठीक है, पहले लीव में दिखाई देता है, धीरे धीरे नीचे के पोर्शन तक भी चला जाता है क्योंकि फ्लोएम एंड जाइलम जो है वो कैम्बियम पे एक्चुअली अटैक करता है ना जो इंसेक्ट रहता है, तो कैम्बियम टिश्यूज जो है वो फूड एंड वाटर का सप्लाई कर पाती हैं। सो डाईबैक में क्या होता है, डाईबैक में इट इज द डाइंग ऑफ द प्लांट ऑर्गन स्पेशली स्टेम और ब्रांचेस बैकवर्ड फ्रॉम प्लांट। दिस इज कंट्रोल, यहाँ पर कंट्रोल मेजर है, सबसे पहला है एक्सक्लूजन, एरेडिकेशन, प्रोटेक्शन एंड इम्यूनाइजेशन। व्हाट इज द एक्सक्लूजन, दिस मेथड इंक्लूड द क्वारंटाइन इंस्पेक्शंस एंड सर्टिफिकेशन। बेसिकली इसमें क्या होता है, जो भी हमने क्वारंटाइन प्रोसेस है उसको फॉलो करना है, इंस्पेक्शन होता है एंड सर्टिफिकेशन होता है। दिस टेक्निक प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ द डिसीज प्लांट मटेरियल इन टू अ पर्टिकुलर कंट्री। लाइक कोई भी डैमेज प्लांट है, डिसीज प्लांट है, वो क्वारंटाइन जब चेक होता है तो अदर कंट्री में वो डैमेज प्लांट जाने से बच जाता है, ठीक। एंड कोई भी जियोग्राफिकल एरिया वेयर द डिसीज डज नॉट एग्जिस्ट, लाइक एग्जाम्पल एग्रीकल्चरल इंस्पेक्शन स्टेशन इन द कैलिफोर्निया। क्वारंटाइन्स आर रेगुलेशंस फॉरबिडिंग सेल और शिपमेंट ऑफ द प्लांट एंड प्लांट पार्ट्स। अवॉइडेंस में इफ अ डिसीज डज नॉट अकर इन यूर एरिया यू मे बी अबेल टू अवॉइड दिस डेवलपमेंट ऑन यूर प्लांट्स, ओके। सो प्लांटिंग सर्टिफाइड वायरस फ्री स्टॉक इज अ गुड वे टू अवॉइड द वायरल डिसीज। रूट रॉट कैन बी अवॉइडेड बाई नॉट प्लांटिंग इन हैवी पोअरली ड्रेन्ड सॉइल्स। ऐसे सॉइल जो क्या है पोअरली ड्रेन्ड होते हैं उनमें हमको नहीं लगाना चाहिए, रूट रॉट से फिर हम बचा सकते हैं अपने प्लांट को। Delaying planting until soil are dry and warm can avoid the damping off of the vegetable seeds. Avoid the wounding plants when pruning or using the equipment, as wound can be entry points for the pathogen or can weaken the plant so that if it cannot defend itself. तो जब भी हमने pruning and training की है उस दौरान हमको नहीं करना है, because that time wound हो जाते हैं ना plants में, तो वो wound जो रहते हैं वो एक entry as a मतलब कैसा work करते हैं, entry point के रूप में work करते हैं for pathogens के लिए, so हमको avoid करना चाहिए। Use good हॉर्टिकल्चरल प्रैक्टिसेस सच एज द प्रॉपर फर्टिलिटी, प्रूनिंग, वाटरिंग टू द
रिकॉर्ड ऑफ इन्फेक्शंस. इरेडिकेशन, रोटेशन, सैनिटेशन, एलिमिनेशन ऑफ द अल्टरनेट होस्ट. ओके, जो भी ऐसे जो प्लांट अनवांटेड है, दैट इज़ द अल्टरनेट होस्ट. केमिकल एप्लीकेशन, हीट ट्रीटमेंट आर द इरेडिकेशन मेथड. व्हेन अ प्लांट इज इन्फेक्टेड और एन एरिया इज इन्फेस्टेड विथ अ पैथोजन, तो हमको क्रॉप रोटेशन करना चाहिए. इट इज़ कॉमन इन बोथ कमर्शियल एंड होम गार्डन्स, इन्वॉल्विंग द प्लांटिंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप इन अ गिवन लोकेशन ईच ईयर. में आप मेरा क्रॉपिंग सिस्टम वाला वीडियो देखना, आपको क्लियर हो जाएंगी चीज़ें. इट कैन रिड्यूस द सॉइल एंड सॉइल पॉपुलेशन ऑफ द फंगी एंड नेमेटोड ऑल्सो. सो फर्स्ट टू प्रैक्टिस रोटेशन यू नीड टू नो द पैथोजन एंड विच प्लांट आर इट्स होस्ट. तभी तो आप दूसरे प्लांट लगा पाएंगे जो उसका होस्ट नहीं होगा. रोटेशन वर्क ओनली इफ यू प्लांट नॉन होस्ट. अदरवाइज आप सेम होस्ट वाला प्लांट अगले सीजन में भी लगाएंगे तो दैट विल नॉट वर्क. नाउ सैनिटेशन, रिमूविंग द प्लांट डेब्रिस इम्पॉर्टेंट वेयर पैथोजन्स में ओवर विंटर. लाइक रेक लीव्स, रिमूव द रोटेड फ्रूट्स, पिक अप द ओल्ड वाइन्स एंड प्रून आउट द डेड वुड एंड और केन्स. सो डिस्पोज ऑफ द डेब्रिस बाई बर्निंग बैरिंग और इसके अलावा हॉट कंपोस्टिंग. उसको हम बरिंग कर सकते, दबा सकते हैं, जला सकते हैं या हॉट कंपोस्टिंग कर सकते. एलिमिनेशन ऑफ द अल्टरनेट होस्ट. सर्टेन पैथोजेंस कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल ऑन टू और मोर होस्ट. एग्जाम्पल रस्ट. ओके, तो ये जो रहते हैं ये एक से ज़्यादा होस्ट पे अपना जो है लाइफ साइकिल सर्वाइव करते हैं. लाइक रस्ट जो है वीट का, वो आपका वीट में भी सर्वाइव करता है और जो भी अदर उसका एक होस्ट होता है, ठीक है, उसमें भी वो सर्वाइव करता है. तो ये है रस्ट के केस में. ओनली वन ऑफ द विच में बी क्रॉप प्लांटिंग. एलिमिनेटिंग अल्टरनेट होस्ट में रिड्यूस द प्रेजेंस ऑफ द दिस डिजीज, सिंस सच पैथोजन कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट द अल्टरनेट होस्ट. क्योंकि उनको दोनों ही प्लांट रिक्वायर होते हैं होस्ट के लिए. तो अगर वीट है पर सेकेंड क्रॉप, सेकेंड होस्ट उसको नहीं मिल पाएगा तो वो मे बी सर्वाइव नहीं कर पाएगा. इसलिए इन केस ऑफ रस्ट हमको अल्टरनेट होस्ट को रिमूव कर देना चाहिए. नाउ द रिमूवल ऑफ द इन्फेक्टेड प्लांट नियर बाय. रिमूवल ऑफ द अल्टरनेट होस्ट, ठीक है, हॉलीहॉक रस्ट है, मैलो रस्ट. नाउ प्रूनिंग ऑफ द होस्ट टू रिमूव द इन्फेक्टेड एरिया. इन्फेक्शन एंड इन्फेस्टेशंस कैन बी प्रिवेंटेड बाय सर्टेन केमिकल. सम फंगीसाइड आल्सो हैव लाइक किक बैक एक्शन एंड सर्टेन फंगी एंड निमेटोड कैन बी रिड्यूस बाई फ्यूमिगेशन और स्टेम स्टिलाइजेशन द सॉइल. हीट ट्रीटमेंट इज यूजली यूज टू एलिमिनेट द वायरस फ्रॉम द प्रोपोगेशन मटेरियल. स्टीम ट्रीटमेंट ऑफ द सॉइल एंड सोलराइजेशन. प्रोटेक्शन इट मीन द ट्रीटिंग अ हेल्दी प्लांट बिफोर इट बिकम डिसीज. तो उससे पहले हमको क्या करना है, बिफोर यानी पहले ही हमको ट्रीटमेंट दे देना है जब उसमें इन्फेक्शन नहीं आया है. बोथ केमिकल एंड बायोलॉजिकल मीन्स आर अवेलेबल. लाइक एग्जाम्पल यूज ऑफ द बैक्टीरियम एज अ प्रोटेक्शन फ्रॉम द क्राउन गॉल डिसीज. सेकेंड वन इज द केमिकल प्रोटेक्शन इज कॉमन टेक्निक विच इन्वॉल्व द फंगीसाइड. बेसिकली सी ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग. रजिस्टेंट जो है इम्यूनिटी, टॉलरेंस एंड ससकेप्टेबिलिटी आर द टर्म दैट डिस्क्राइब द प्लांट जेनेटिक मेकअप एंड इट्स रिएक्शन टू प्लांट पैथोजन. रजिस्टेंट एंड इट्स अपोजिट ससकेप्टेबिलिटी आर लेवल और डिग्री ऑफ अ प्लांट रिएक्शन टू अ पैथोजन. इफ अ प्लांट नियर बिकम डिसीज द टर्म इम्यून इज यूज. ओके, सो द वर्ड टॉलरेंट डिस्क्राइब अ प्लांट विच मे बिकम डिसीज येट ग्रो मच लाइक अ हेल्दी प्लांट. सो प्लांट रेजिस्टेंट कल्टीवर इज ईजिएस्ट मीन ऑफ द डिसीज कंट्रोल. क्योंकि अगर वो डिसीज मतलब क्योंकि ये रेजिस्टेंट इम्यूनिटी टॉलरेंस एंड सब जो भी ससकेप्टेबिलिटी है ये प्लांट का जेनेटिक मेकअप डिफाइन कर रहा है. और ये जो जेनेटिक मेकअप जो है ये पैथोजन और प्लांट का जो रिएक्शन है आपस में उसको शो करता है. क्या होता है रेजिस्टेंट और उसका अपोजिट होता है ससकेप्टेबिलिटी. ससकेप्टेबिलिटी अगर है ये का लेवल अगर ज़्यादा है तो प्लांट में डिसीज आएगा. अगर रेजिस्टेंट का लेवल ज़्यादा है तो प्लांट में डिसीज नहीं आएगा. सो इफ अ प्लांट नेवर बिकम डिसीज द टर्म इम्यून इज. तो अगर कभी भी प्लांट में कोई डिसीज नहीं आया है तो इम्यूनिटी सिस्टम है, वो इम्यून वर्ड यूज होगा वहां पर. सो द वर्ड टॉलरेंट है ये डिस्क्राइब करता है कि किस हद तक प्लांट जो है डिसीज होने के बावजूद भी अपने आप में ग्रो हो रहा है. तो है ना, सो प्लांटिंग रेजिस्टेंट वेराइटी जो है हमारे लिए बहुत ही ईजिएस्ट वे है कि हम डिसीज कंट्रोल कर पाएँ.
नाउ द लीफ मोजेक ऑफ द टैपियोका, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ऐसे ही जो आपके क्रॉप के अकॉर्डिंग जो भी डिशेज हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, एंड जो भी प्रॉब्लम है वो कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम चैनल में बता दीजिएगा। सो थैंक